गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो इन द प्रीवियस क्लास हम सिक्स्थ जो हमारी क्लास में हम क्या कर रहे थे, चैप्टर नंबर 4 का रिवीजन कर रहे थे और हमने ये पढ़ लिया था तारोज़ रिवॉर्ड में कि जो लेडी उनके घर पे आई थी उसने सारी जगह ये बात फैला दी थी कि तारो को क्या मिला है, वो मिला है एक शेक, मिला है शेक का झरना, और उसने ये पूरी बात गाँव में फैला दी थी। आज हम पैराग्राफ 9 से शुरू करेंगे। That evening, उसी शाम, there was a long procession of visitor to the woodcutter's house. Procession का मतलब होता है जुलूस। उस शाम को ऐसे मान लो कि जो woodcutter था उसके घर में जुलूस ही आ गया था लोगों का। Each man heard the story of the waterfall. हर कोई उस waterfall की story सुनता जा रहा था। Took a sip of the shake, जो shake था उसका घूंट पीता जा रहा, sip पीता जा रहा। In less than an hour, the pitcher was empty. एक घंटे के अंदर अंदर जो पिक्चर था वो क्या हो गया, खत्म हो गया, मतलब खाली हो गया। नेक्स्ट मॉर्निंग तारो स्टार्टेड फॉर वर्क इवन अर्लियर देन मॉर्निंग बिफोर। अब अगले ही दिन तारो ने जिस रोज वो जिस टाइम पे जाता था उससे और भी जल्दी उठकर वो जाने लगा। He carried him with him the largest picture he owned. उसके पास जितना बड़ा पिक्चर था, सबसे बड़ा पिक्चर यानी मटका, वो लेकर गया। For he intended first of all to go to the waterfall. और उसकी ये इच्छा थी कि वो waterfall के बाद सबसे पहले जाएगा। When he reached it, और जब वो वहाँ गया, he found to his great surprise all his neighbor there. He found his वहाँ पर उसने वहाँ जाकर वो तो बिल्कुल शॉक्ड हो गया। उसने क्या देखा कि वहाँ पर तो उसके सारे जो पड़ोसी पड़ोसी थे वहाँ प्रेजेंट हैं। दे आर कैरिंग पिक्चर्स, जार्स, बकेट, वो क्या क्या कैरी कर रखे हैं उनके साथ में है, मटके, जार, मतलब कोई भी बर्तन या फिर बकेट, बाल्टी, एनी थिंग दे कुड फाइंड टू होल्ड द मैजिक सेक। कोई भी चीज़ ऐसी जो कि वो मैजिक सेक से क्या करते, जिसमें वो भर कर ले जाते। देन वन इन विलेजर नेल्ट, झुका पैर पर एंड हेल्ड इज माउथ अंडर द वाटरफॉल टू ड्रिंक। और एक विलेजर झुका और उसने अपने हाथों में क्या लिया, जो पानी था उसे लिया ताकि वो उसे पी सके। ही ड्रैंक इट अगेन एंड अगेन, उसने बार बार उसको पिया। एंड देन शाउटेड एंग्रीली, फिर वो ज़ोर से चिल्लाया, शाउट किया उसने, वाटर नथिंग बट वाटर, ये तो क्या है, सिर्फ पानी है, सिर्फ और सिर्फ पानी है। अदर आल्सो ट्राइड, और लोगों ने भी ट्राई किया, बट देयर वॉज नो शेक, ओनली कोल्ड वाटर, बट क्या था, सिर्फ और सिर्फ ठंडा पानी। वी हैव बीन ट्रिक्ड, शाउटेड द विलेजर, विलेजर ने चिल्लाया हमें क्या गया गया है, बेवकूफ बनाया गया है। वेयर इज तारो, कहाँ है तारो, गुस्से में, लेट अस ड्राउन इन हिम दिस वाटरफॉल, हम क्या करते हैं उसको ड्राउन करने, मतलब डुबो देंगे, हम उसको इसी वाटरफॉल में डुबो देंगे। उसने हमसे क्या बोला है, झूठ बोला है। बट तारो हैड बीन वाइस, वो बहुत ही ज़्यादा वाइस था, समझदार था, इनफ टू स्लिप बिहाइंड अ रॉक, उसने क्या किया, वो एक रॉक था उसके पीछे जाकर छुप गया। वेन ही सॉ हाउ थिंग्स वर गोइंग, उसने देखा थिंग्स क्या हो रही है, चेंज हो रही है, ही वॉज नो वेयर टू बी फाउंड, वो कहीं भी नहीं मिला लोगों को। मटरिंग देयर एंगर एंड डिसअपॉइंटेड, डिसअपॉइंटमेंट, मटरिंग मतलब बड़बड़ाते हुए वो लोग वहाँ से, द विलेजर्स लेफ्ट द प्लेस वन बाय वन, और जो विलेजर्स थे वो धीरे धीरे वहाँ से चले गए। वॉज इट ट्रू, ही वंडर्ड, उसने सोचा कि ये क्या हुआ, वॉज द सेक अ ड्रीम, क्या जो उसने सेक का झरना देखा था वो क्या है, एक सपना है। Once more he caught a little liquid in his hand. Once more उसने थोड़ा सा लिक्विड लिया अपने हाथों में and put it to his lips, और अपने lips पर लगा लिया। It was the same fine shake. वो तो फिर वही था, shake ही था वो तो बिल्कुल। To the thoughtful son, the magic waterfall gave the delicious shake. क्योंकि वो एक विचारशील बेटा था, इसीलिए जो magic water shake fall था उसने उसे क्या दिया था, delicious shake. To everyone else it gave only water. But हर एक को क्या दिया, ओनली ठंडा पानी। द स्टोरी ऑफ तारो एंड हिज मैजिक वाटरफॉल रीच द एम्परर ऑफ जापान, अब जो जापान के राजा थे उनके पास इसकी स्टोरी पहुंची। ही सेंट फॉर द यंग वुडकटर, उन्होंने अपने यंग वुडकटर को बुलाया यानी तारो को अपने दरबार में बुलाया। एंड रिवॉर्डेड हिम विथ 20 पीसेज ऑफ गोल्ड, और उसको 20 सोने के सिक्के दिए।
फॉर हैविंग बीन सो काइंड एंड गुड, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था इसीलिए. देन ही नेम द मोस्ट ब्यूटिफुल फाउंटेन इन द सिटी आफ्टर तारो, और उन्होंने शहर में एक बहुत सुंदर सा झरना बना दिया. किसके नाम पर? तारो के नाम पर. किसके नाम पर बनाया? तारो के नाम पर बनाया. दिस सेट द एम्परर, और उसके बाद एम्परर ने कहा वॉज टू एनकरेज ऑल चिल्ड्रन, सबको एनकरेज मोटिवेट करने के लिए सारे बच्चों को, टू ऑनर एंड ओबे देयर पेरेंट्स, ताकि वो क्या कर सके, अपने पेरेंट्स को रिस्पेक्ट कर सके, ओबे कर सके. ठीक है, सो दिस इज़ द स्टोरी एंड वॉट यू हैव टू डू रिवाइज इट. आपको इसको देखना है, वीडियो को रिवाइज कर लीजिएगा, कुछ क्वेश्चन एम सी क्यूज उन्हें लर्न कर लीजिएगा. थैंक यू.